हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षास फैशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समर सीज़न आ गया है और ऐसे में हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में हम सभी अभी कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लड़ रहे हैं, ऐसे में हमारी स्किन को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की हमें ज़रूरत है। तो आज मैं आपको इस पुरानी लैगी का रीयूज़ करते हुए हैंड ग्लव्स बनाना बताने वाली हूँ, क्योंकि हमें हैंड ग्लव्स की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हैं, और यदि ये मिल भी रहे हैं तो दुगने तिगने दामों में मिल रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको घर पर ही इन्हें लैगी का रीयूज़ करते हुए बनाना बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर पे मार्किंग करने के लिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से न्यूज़पेपर लेना है और इस न्यूज़पेपर पे इस तरीके से अपने हैंड को पुट करना है और आपको इस तरीके से इसकी ड्राइंग बना लेनी है। आपको इस ड्राइंग को अपने हैंड से थोड़ी मतलब क्वार्टर इंच दूरी पे बनानी है ताकि हमें स्टिचिंग के लिए कपड़ा बच जाए। तो मैं इस तरीके से इसको लूँगी और मुझे इतना लंबा बनाना है, तो मैं इस तरीके से इसको, आप इसको दूर से थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपनी हैंड की मार्किंग कर लीजिए। इस तरीके से हमारा ये जो हैंड है वो मार्क हो गया है। क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इस हैंड को कट कर लेंगे इस तरीके से। जहाँ जहाँ आपने मार्किंग की है, आप मार्क से थोड़ा दूरी पर इसको कट करते जाइए। थोड़ा सा दूरी पे इसलिए क्योंकि आपको सिलाई के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हमने इस हैंड को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पेपर को हम अपनी लैगी के ऊपर रख कर लैगी को कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया है। अब मैं इसको चॉक से इस तरीके से मार्क कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो आप इस तरीके से इसको इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने न्यूज़पेपर पे कट किया था फ्रेंड, आप उस तरीके से इसको कट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपका जो एक फर्स्ट हैंड ग्लव है वो कट कर रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप लेगी का जो सेकंड पीस है ये वाला, इससे आप इसको रखकर सेकंड पीस भी कट कर लीजिए। इस तरह से हमने दोनों हैंड ग्लव्स की मार्किंग और कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए हम चलते हैं मशीन की साइड। लेकिन स्टिचिंग करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बाजू में एक बेल बटन आ रहा होगा आप उसको भी प्रेस करके, और या बेल बटन को ऑन नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो आप तक मेरी आने वाली वीडियोज़ नहीं पहुँच पाएंगी। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मशीन पर और हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि हमने ये जो कटिंग की हुई है तो इससे आपको लगभग क्वार्टर क्वार्टर इंच दूरी पे इस तरीके से इतनी दूरी पर सारी जगह पर जो है ना, यहाँ नीचे से लेके पूरे में जो है इधर स्टिचिंग को कर लेना है। आपको इसको इस तरीके से, आप यहाँ से आएंगे इस तरीके से आपको पूरे में यहाँ पर जो है सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे सिलाई को लगाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लेगी का जो कपड़ा होता है वह सॉफ्ट होता है। यदि आपकी इस पर सिलाई ना आए तो आप नीचे यहाँ पर न्यूज़पेपर लगाकर स्टिचिंग कीजिए तो आपकी जो सिलाई है वो इजीली आ जाएगी। जैसा शेप हमने इस हैंड ग्लव्स का दिया है आप वैसे ही शेप में स्टिचिंग लगाते जाइए। यहाँ पर मैं इसको राउंड कर लेती हूँ।
इस तरह का जो देखिए फ्रेंड, मैंने सारी जगह पर जो है ये सिलाई को लगा लिया है। अब हम जो हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है इसमें भी पूरे में सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें भी सिलाई को लगा लेते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये दोनों ग्लव्स में जो है सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमने जो ये सिलाई लगाई है तो वहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई ना कटे, देखिए इस तरीके से हमें कट्स लगाने हैं। आपको दूर दूर कट्स लगाने हैं कि आपकी सिलाई इस तरीके से ना कटे। आप इस तरीके से पूरे राउंड में यहाँ पर सब जगह पर कट लगा दीजिए ताकि जब इसको हम पलटेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस तरीके से आप दूर दूर पर जो है कट्स जो लगा दीजिए। आप ये राउंड शेप में ज़रूर कट लगाइए क्योंकि राउंड शेप को फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दूर दूर इस तरीके से कट्स लगा दीजिए इस तरह से। इस काम को आप बहुत सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो ये सिलाई भी कट सकती है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सारी जगह इस तरीके से कट्स लगा दिए हैं। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से ओपन करते हुए पलट देंगे। आप इस तरीके से इसको पलट दीजिए इस तरीके से। आप इसको बाहर की तरफ खींचते जाइए। निडिल की हेल्प से आप इसको इस तरीके से ऊपर की ओर खींच लीजिए इस तरीके से। देखिए हमने ये दोनों हैंड ग्लव्स जो हैं वो सीधे कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसे हम इस तरीके से टू फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे राउंड में। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको स्टिच कर दिया है। ऐसे ही हम इस वाले को स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से दोनों हैंड ग्लव्स बन के रेडी हैं फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसे वेयर करके नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे चोट लगी हुई है हाथ में, लेकिन आप लोग इसे बनाइए और पहनिए और बताइए आपको कैसा लगा। मिलते ही एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।